morning. Good morning. Welcome to a new day. चो रुक जाओ, मम्मी उठ रहा हूँ यार अभी। कौन? गुड मॉर्निंग फैमिली। मम्मी गर्म पानी। चलो पहले गर्म पानी पी लेते हैं, फिर एक्सरसाइज भी करना है। लाओ मेरे गर्म पानी करो पहले। मिट्टी चीजें रख देती हो किचन में, तो सुबह भी तो पहले गर्म पानी कर लेते हैं। मॉर्निंग मम्मी क्या बना रही हो आज? तेरे लिए बना रही हूँ मेथी की सब्जी। किसकी सब्जी? आलू मेथी। और पराठे बना देना। गर्म पानी हो गया हमारा, अपनी बोतल में रख लेता हूँ। मैं ढक्कन लगा दूँ। लगा दो। चलो ऊपर जा रहा हूँ। आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ी बहुत देखते हैं। ठंडा ठंडा कूल कूल। ऐसा रखा हुआ है, ये भी मैट है मेरी, योगा मैट, और ये डंबल लंबल थोड़े से नहीं रोका है। चलो करते थोड़ी एक्सरसाइज, फिर मिलते हैं आपसे। मनसा नहीं कर रहा भाई एक्सरसाइज करने का, ठंडी लग रही है। देखो हमारे, देख रहे हो बिल्डिंग, देख रहे हो आप, देख रहे हो। मैं आपको अपने घर के पेड़ पौधे दिखाता हूँ, सूखे पड़ गए लेकिन देख लो। लो वर्कआउट हो गया, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। और ये तो गर्म है, देखो भाप निकल रही है। हालत खराब हो गई यार पहले दिन। चलो वीडियो के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में ना एक्सरसाइज भी हो जा रही है, ये भी सही है। वैसे मैं उठता नहीं होती जल्दी, हार्ड उड़ गया। पानी बहुत गर्म है, बहुत गर्म पानी। सॉरी। चलो थोड़ी और एक्सरसाइज के निकल मिलते हैं आपसे। खांसी बंद करने को इलाज बता दो यार।
खांसी बनती हो रही है। एक सेट हो गया तो दो सेट और बांधने। तो एक्सरसाइज डन हो गई, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं करी मैंने, मुझे आदत डालनी है एक्सरसाइज की। मैं करता हूँ एक हफ्ते दो हफ्ते फिर छूट जाती है, क्या पता ब्लॉग बनाने के चक्कर में हो जाए। ये तो वैसे भी करनी चाहिए यार, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। और जिम इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाता क्योंकि मैं कभी मतलब घर पे तो रहता ही नहीं हूँ, और अपने काम के चक्कर में कभी इधर कभी उधर, दिल्ली से बाहर दिल्ली से इधर, तो इसलिए जिम ज्वाइन करना मतलब पैसे वेस्ट करने की। सॉरी, अब चलेंगे ब्रेकफास्ट करने। आज एक काम करना, पापा के लिए लेके आनी है फोल्डिंग वाली चरपाई, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो धूप ऊपर आके यहाँ लेट सके आराम से और धूप सेक सके। कल गया था मार्केट, लेट हो गई थी तो फोल्डिंग चरपाई ढूंढ पाया, आज वो लेके आनी है पापा के लिए। लो कूड़े वाला आ गया। स्वच्छ भारत अभियान की तरह अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालें। और किसी को फ्लैट लेना है भाई, हमारे बगल में फ्लैट बन रहा है 5 BHK, अभी बनना स्टार्ट हुआ है। 2 करोड़ रुपए एक फ्लैट की कीमत है, 3 फ्लोर बनेंगे इसमें 5 BHK। को लेना है फ्लैट तो ले लो भाई, अच्छी जगह है। चलो नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, बताता हूँ आपको साथ साथ, ठीक है, बाय बाय। तो फाइनली ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। मेरी मम्मा क्या बनाया आज, पराठे, नमी सब्जी कौन सी है, आलू मेथी और अचार और खीर। चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। डाइनिंग टेबल का हाल देखो, मम्मी ने पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, तो आज सोफे में बैठ के खाना खा लो। चलो मैं नहीं खा रहा, मैं ही खा रहा हूँ। मम्मी ने इतनी अच्छी सब्जी बनाई है कि आज ये मेरा, मम्मी कौन से नंबर का पराठा खा रहा हूँ मैं अभी, ये 6-7 पराठे खा लिए होंगे ना मैंने, क्या करूँ। जल्दी है घर से, फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपनी बुआ के घर, वहाँ से उनके हस्बैंड जो जिया जी हमारे, वो चलेंगे मेरे साथ, थोड़ा मांगे सबने कहा है। तो आज मैं अपनी स्कूटी ही निकाल रहा हूँ, चाबी कैमरा। ये है हमारी पार्किंग, पार्किंग का हाल भी बुरा है, ये है ना अपनी स्कूटी। गाड़ी नहीं ले जा रहा क्योंकि ज्यादा दूर जाना नहीं है, हर बात के लिए गाड़ी निकालना बेकार है भाई, पेट्रोल हो रहा है महंगा, ठीक है। एक मिनट, अभी का प्लान ऐसा था कि मैं अपनी बुआ के घर जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते में फर्नीचर की दुकान मिल गई, तो उनको क्यों परेशान करूं जिया जी को, तो मैं सोचा खुद ही पता कर लूं, अभी ऑफिस का काम ही कर रहा हूँ, वक्त होम चल रहा है उनका भी, तो परेशान करने तो अच्छा है खुद ही पता कर लूं। तो मैं मार्केट में आ गया, मुझे मिल भी गई अली फोल्डिंग चरपाई, करता हूँ बात। भैया क्या प्राइस है फोल्डिंग का? 1700 रुपये। इसका और आगे वाली का? तुम जा रहे हो? लेकिन जिया जी के घर में, आपको ब्लॉग में ले रहा हूँ जिया जी मैं। अच्छा चलो जल्दी चलो, चलो जिया जी को डिस्टर्ब करना ही पड़ा, क्योंकि बड़ो मैं क्या चाय पानी चाय पीता ही नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं खा रहा मैं, खाना खा के आया हूँ मैं।
हाँ दीदी मैंने पी रहा। क्या हो गया आपको? अच्छा जी जी, अपने ऑफिस का काम करते हुए। हाँ जी मावड़ी जी। हाँ जी क्या चल रहा है? दोबारा घर बैठे काम करो। हाँ। अब लैपटॉप ले लेंगे ना यार। हाँ। ऑफिस से मिला है कुछ? लिया है? नहीं ऑफिस से मेरे में अपना क्यों होगा। अच्छा बड़ा नया लैपटॉप दे दिया, वो मतलब पूरा सेटअप नहीं दिया। अब कहीं भी बैठ सकते हो आप। कहीं बैठ जाओ, मैं शादी ब्याह में भी जा सकता हूँ। अब शादी ब्याह में भी जा सकते हो आप। 1,18,000 का बता रहे हो अभी वाले? 1,18,000 का लैपटॉप? कौन सी कंपनी का है ये? एचपी का ही है ये। अच्छा लाइट बुक एचपी का। सही है, अपने काम कराने के लिए दिया है, मेरे को थोड़ी दिया है। और आपको पासवर्ड याद नहीं है? हद हो गई जी यार। चेंज किया ना अभी मतलब उसको लाइक बता भाई। उसमें कौन सा दिख रहा है? कुछ आ रहा है? चलो फिर चलो कर लो काम, जल्दी चलते हैं आराम से। मैं तो चारपाई ले लो आपको बिना परेशान करे हुए, लेकिन 1,700 रुपए की लगा रहा था वो। बड़ों का कहना तो मानना ही पड़ता है ना, बड़ों को साथ ले जाना ही पड़ता है, तो जरूरत पड़ गई हमें हमारे जिया जी की। और वो कहा है बच्चे? कहा है हर्षी? हर्षी कहा है? ऊपर है क्या बहना? सब लैपटॉप में लगे। तू भी ऑफिस का काम कर रही है? हाँ। तो मुंह क्यों छुपा रही है? बहुत घटिया हालत हो रखी है मेरी। शिनचैन बीमार है, शिनचैन को जुखाम हो रखा है। तू भी ओमिक्रॉन से ग्रस्त है? ओमिक्रॉन नहीं है। चलो कर ले काम। जेको आता है सस्ता वाला, जिसमें ये सपोर्ट नहीं होती, ये नहीं होती, ये नहीं होती, एक साल की गारंटी, फ्लाई टूट जाए, पाइप टूट जाए, बदल के ना आएगा हाथ वहाँ। तो अब आए हैं हम सेक्टर 51 के मार्केट, नोएडा सेक्टर 51। ये सही लग रही जी? जी सही तो लग रही है ना? आगे देख लेते कोई बात नहीं। और कम करो पैसे यार, और कम कराओ, देखते हैं आपकी। हेलो अरे साजी सुनो तो सही यार, बराबर करवाया और नहीं रहा। आज जिया जी की परीक्षा है, पैसे कम करा पाते नहीं करा पाते। 1,300 रुपये, 1,350 में 1,300 रुपये में आ गया। 1,300 रुपये, 1,350 से 1,300, देखते हैं कुछ और कम होते नहीं होते। आओ सर जी। करो यार थोड़े और कम कराओ यार। अरे तो ठीक है 1,100 का भी नहीं अंकल, 1,200 का भी नहीं, 1,150 का भी नहीं, 1,150 यार करवा दो यार, तक तुम ब्लॉग में भी आ रहे हो, थोड़ा तो कम कर दो यार। चलो एक सही रेट लगा दो, दोबारा ना बोले हम भी। देखो हम पहले आपकी दुकान पे हैं, डायरेक्ट कहीं गए भी नहीं है। चलो जी जी 1,200 करवा दो यार, 1,200 करते हैं अभी। अब भाई कर दे यार 1,200। चलो 1,200 रुपये ठीक है, करवा दो यार, अब मत बोलो यार। हाँ ठीक है ना, वो तो मुझे पता है। मान रहे 20 साल हो गया, थोड़ा थोड़ा फिर भी खोड़ा में आए, प्यार है खोड़ा वालों से, और तुम ऐसे कर रहे हो। भाई आपकी दुकान पे लेके आए हैं, देखो यार ये भैया को दे 1,200 रुपये। बेटा ले ले चल, 1,200 1,250 चल दे दो, 1,250 दे यार। तो 1,250 रुपये में फाइनल हुआ है। चलो कुछ तो काम आया, और मैं वैशाल और इंदापुरम में 1,700 रुपये का ले रहा था, 1,700 रुपये का। देखो इतना फायदा हुआ जीजी को लाने का। तो रिक्शा तो करो आप यार, स्कूटी में कहाँ ले जाओगे आप? ये ले चलोगे स्कूटी में? वहाँ तक ले चल दूँगा, तो वहाँ से देखेंगे। चलो ठीक है, वहाँ से लेके निकले ही थे स्कूटी में रख के,
और मैं अपना हेलमेट भूल गया, अब हेलमेट लेने जा रहा हूँ। कितना भुलक्कर हो गया हूँ यार मैं।